हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। इस बीच जीत दर्ज कर चुके दो निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले ये दो निर्दलीय विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान हैं। बता दें कि देवेंद्र कादियान सोनीपत की गन्नौर सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को 35,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा कर जीत हासिल की। वहीं इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक तीसरे नंबर पर रहे। बता दें कि देवेंद्र कादियान पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल की। वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे निर्दलीय विधायक राजेश जून हैं। राजेश जून चुनाव से पहले तक कांग्रेस में शामिल थे। उन्होंने भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय ही बहादुरगढ़ सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। राजेश जून ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कौशिक को 41,999 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराकर जीत हासिल की। अब राजेश जून के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कल आए चुनाव परिणाम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के लिहाज से बीजेपी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले आज तक कभी भी हरियाणा में अकेले अपने दम पर इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37, INLD के खाते में 2 और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली JJP चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इतना ही नहीं, खुद पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला अपनी सीट हार गए।